Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. As we report from Ayodhya ahead of the Ram Mandir's Bhoomi Pujan, this is an occasion not just for building a temple, a Ram Mandir, though of course that's a big moment in itself, but also for rebuilding the future of this temple town, long mired in decades of controversy, and also rebuilding faith between communities. This is the house of a man who was once known as the oldest litigant in the Babri Masjid Ram Janmabhoomi dispute. Hashim Ansari, who died at the age of 99 in 2016. His son then became a litigant himself. And then, of course, we have the Supreme Court verdict and the big Bhoomi Pujan tomorrow. But the interesting thing is that now there is an attempt to create a bridge between both communities. Hashim Ansari's son, Iqbal Ansari, will be among the attendees of that Bhoomi Pujan, and he's here sitting outside his house, and with him is Gayatri ji, and Gayatri ji ki jo husband the wo un car sevakon mein se the jo firing mein jo police firing hui thi Mulayam Singh ki sarkar jab thi jo police firing hui thi usme unka dehant ho gaya usme unki maut ho gayi aur wo aaj unki tasveer leke baithe hui hain. और अगर आप देखें तो मेरी एक तरफ है यहाँ पर गायत्री देवी और मेरे दूसरी तरफ यहाँ पर है इकबाल अंसारी भाई. और एक ज़माना था जब ये इस मुद्दे के इस पार या इस पार थे, लेकिन भूमि पूजन के दौरान ये दोनों को ही इनविटेशन मिली है और दोनों ही प्रेजेंट होंगे और एक तरह से एक नई शुरुआत होगी. तो हम दोनों से ही बात करना चाहते हैं. मैं आपसे शुरू करूंगी. आपके जो वालिद थे, आपके जो फादर थे, वो ओल्डेस्ट लिटिगेंट थे. 99 में की उम्र में उनकी डेथ हुई, आप बन गए लिटिगेंट. अब आपको न्योता आया है, आप इस न्योता को किस रूप से देखते हैं? आपने कहा है कि भगवान राम की इच्छा है कि आप जाएं इस पूजा के लिए. देखिए, सवाल अयोध्या का है और 1949 से मुकदमा चल रहा था, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया, 70 साल में कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने कोर्ट का सम्मान किया. अब हम पुरानी बात को कहना भी नहीं चाहते, दोहराना भी चाहते. 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, पूरी दुनिया ने देख लिया जी कि क्या हुआ. 9 महीना हो रहा है, ना हमारी कोई दरख्वास्त पड़ी है, ना कोई हमारे जो है मुसलमानों का कोई वहाँ बाधा. 9 नवंबर के बाद मंदिर का काम शुरू है. माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, शिलान्यास जो है होने जा रहा है, भूमि पूजन होने जा रहा है. अच्छी बात है, क्योंकि अब मेरा कोई मुकदमा ही नहीं है. तो आप प्रधानमंत्री को, हमने सुना है, तोहफा देने का सोच रहे हैं? देखिए, जब जहाँ न्योता मिलता है वो हमारा एक फ़र्ज बनता है. हम हिंदू धर्म के रस्म रिवाज के हिसाब से एक जो है रामचरित मानस और एक राम नामी दुपट्टा लाए हैं. मैं उनको प्रधानमंत्री जी को भेंट करूँगा. और गायत्री जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी हस्बैंड की यहाँ तस्वीर है. अगर हम कैमरा थोड़ा पास दिखाएं तो मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक नई शुरुआत की. और मेरे एक तरफ हैं गायत्री जी, जिनके हस्बैंड थे कार सेवक. मेरे दूसरी तरफ हैं इकबाल अंसारी, जिनके वालिद इस पूरे मुद्दे के सबसे जो कहते हैं सीनियर लिटिगेंट थे, जो कोर्ट में गए. गायत्री जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको भी न्योता आया. आज आप एक ऐसे घर के बाहर बैठे हैं जहाँ एक ज़माने में आप लोगों का एक तरह से कुछ उठना बैठना नहीं होता होगा, ना ही सोचने का तरीका इस मुद्दे पे एक होता होगा, लेकिन आज एक नई शुरुआत आपको लगती है? आप क्या बोलना चाहेंगी? कल जब आप जाएंगी, आप अपनी हस्बैंड की तस्वीर लेके बैठी है, आपके लिए ये दिन क्या मायने रखता है? ये बहुत अच्छा हुआ है जो मतलब मंदिर प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं और न्योता दिए हैं. ये बहुत दुनिया बहुत खुशी है और बस ये हमारा दिल रहा कि सब हमारे उठो में पूर हो रहा है. और यहाँ पर आपको लगता है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो संबंध है वो अब आगे और बेहतर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं? सब ठीक हैं, सब अपना अब करेंगे सब दिल के अपना. आपके हस्बैंड कैसे मारे गए, कुछ बताइए क्या हुआ? आपके छोटे बच्चे भी थे उस समय. हाँ, क्या हुआ बताओ. अब वो गए थे वहाँ जन्मभूमि पे, मतलब 30 तारीख को गए थे तो उस समय लौट के आए. और करीब 2 नवंबर के गए हैं, 10 बजे गोली लग गई थी उनके. और लड़के हमारे छोटे छोटे रहे, हमने अपना कौन मेल लेके पार की, पढ़ाई लिखाई, ब्याह गौन सब किया.
तो आज आप क्या कहना चाहेंगे पूरे भारत के लोग जो सुन रहे हैं इसको, आप क्या कहना चाहेंगे? अब हमें बहुत खुशी है यह कि जो मंदिर का मतलब हो गया बस। और इकबाल भाई, अगर मैं आपसे कहूं, क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि लोग ये देखें कि आप दोनों में एक समय लगता होगा, अगर कैमरा इन्हीं दो लोगों को दिखाएं तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि लगता होगा कि शायद इनके बीच में एक तरह एक टाइम होता था कि पॉलिटिकल दूरी थी, एक रिलीजियस दूरी भी थी, लेकिन आज इकबाल भाई और गायत्री जी इकट्ठे ही इस भूमि पूजन में शामिल होंगे। और मैं आपसे दोनों से कहूंगी कि थोड़ा इस गली में अगर हम चल लें अयोध्या की गली में, तो मैं आप दोनों को दरख्वास्त दूंगी, थोड़ा इकबाल भाई खड़े हो जाइए, और गायत्री जी मैं आपको हाथ देती हूँ, ये यहाँ पे आपके हस्बैंड की तस्वीर हम यहाँ रख लेते हैं, आइए मेरा ही हाथ पकड़ के आ जाइए। तो चलते चलते हम बताना चाहते हैं कि कैसे इकबाल भाई आप बोलेंगे कि आइए, आप ही के घर के सामने हैं, आप ही की गली के सामने हैं, कि यहाँ एक नई शुरुआत कैसे हो सकती है। इकबाल चाचा, देखिए अयोध्या के जो परंपराएं हैं वो ये शुरुआत तो यहाँ की अच्छी है, हमेशा यहाँ कोई विवाद तो रहा नहीं। जब बाहर के लोग आते थे तो बाहर के आदमी भी लाते थे, जो कुछ भी होता था अयोध्या को गर्म करने होती थी तो बाहर के नेता आते थे, बाहर के आदमी को लेकर आते, जो कुछ भी हो रहा था वो सब बाहरी लोग थे। तो आपको लगता है कि यहाँ पर पहले भी हिंदू मुसलमान के बीच में कोई तनाव था? कोई तनाव पहले भी नहीं था, कोई तनाव आज भी नहीं है। तो आप अगर कुछ गायत्री जी से कहना चाहें, जो आपकी भी बहन की जैसे हैं, तो आप इनको क्या कहना चाहें? देखिए, हम लोगों की जो परंपराएं हैं वो हमेशा बेहतर रहीं। गायत्री जी हैं हमारे जो है गांव घर की हैं, हमारे महल्ले की हैं, हैं हमारी बहन के बराबर ये भी हैं, कोई हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं। हमारे यहाँ ये है, ये तो है नहीं कि हम लोग हिंदू मुसलमान को कोई पद भी नहीं देते, हमेशा ही हम लोग जो है अपने समाज में और अदब तहजीब के दायरे में हमेशा रहते हैं, ये हमारा मजहब है। गायत्री जी कह रहे हैं कि अभी ये आप उनकी बहन जैसे हैं, चाहे कुछ भी राजनीतिक या मंदिर को लेके कोई ज़माने में कोई अलग राय हो, आप उनकी बहन जैसे हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगी कि ये कहते हैं पहले भी कोई तनाव नहीं था, सब शांतिपूर्वक ही था अयोध्या के लोगों के बीच में? सब शांति रूप रहा, मतलब आप थोड़ा हंस क्यों नहीं रही, खुश क्यों नहीं है? खुश हैं? हाँ खुश हैं, मंदिर हमारा बन रहा है, हम खुश हैं, सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, सबको है कि हाँ हमारा मंदिर बन रहा है, बस खुशी है। अब आपके हस्बैंड अगर आज जिंदा होते तो कैसा लगता उनको? आपने कहा ना कि उनके लिए मतलब वो खुश होते, उनके उनकी जो ज़िंदगी ऐसे आपको लगता है बर्बाद नहीं गई, उनकी ख्वाहिश थी ना कि मंदिर बने? इकबाल चाचा, थोड़ा अगर हम चलते हुए जाएं तो अब आप अयोध्या में, अगर आप जीत जाते, आपने कहा है कि आप वहाँ पर स्कूल बनाना चाहते थे, अस्पताल बनाना चाहते थे, अब तो मंदिर बन रहा है और एक दूसरे ही इलाके पर मस्जिद की जगह भी दी गई है, तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, हमारी जो सोच थी कि अयोध्या में जो हमको ज़मीन मिली है उस पर एक हॉस्पिटल बनता, एक स्कूल बनता, क्योंकि अयोध्या जो है बहुत पिछड़ी है, तो हम ये चाहते थे कि हम वो काम करेंगे जो पूरे देश को पसंद हो जी, क्योंकि जब शिक्षा होगी तो लोग आगे बढ़ेंगे। हॉस्पिटल होगा, देखिए हम हॉस्पिटल की बात करते थे, आज जो है कोरोना का दौर है, ज़रूरत तो इस चीज़ की होती है कि हिंदू मुसलमान के दोनों को काम आता जी। ये हमारी सोच थी कि हमारे अगर हमारे अंदर कुछ इंसानियत है तो हम वही काम करेंगे जो देश दुनिया को पसंद आए। तो आपको लगता है कि ये जो अलग से ज़मीन दी है सुन्नी वक्फ बोर्ड को, वहाँ अस्पताल आना चाहिए? देखिए, अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिला, उसकी जिम्मेदारी मेरी कोई नहीं है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो बोर्ड के चेयरमैन हैं जफर फारूकी। ये बात करना है तो वो जफर फारूकी बताएं। पर आपकी अपनी राय क्या है? हमारी जो है जो राय थी वो सब पहले हमने बता दिया, अब वो जो है वो ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड को मिली, वक्फ बोर्ड जाना है। अच्छा, इस तरफ अगर आप हम आएँ ताकि गाड़ियाँ ना रोकें हम, मैं आपसे आखिर में यही पूछूंगी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री को आप तोहफा देना चाहते हैं, और क्या बोलना चाहेंगे मोदी जी को? जब हम प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, अगर हमें मौका मिला, तो जो अयोध्या में कमी है उसको हम बताएंगे। क्या बताना चाहेंगे आप? आप अयोध्या के लिए, अयोध्या के लिए आगे क्या चाहते हैं? देखिए, हम अयोध्या, हम तो जो है हिंदुस्तान के जो है निवासी हैं, हम देश के वफादार हैं, हम अच्छाई के अलावा कोई बुराई नहीं चाहते, हमें चाहते हैं कि देश का भला हो, देश में हमारा देश इतना आगे बढ़े कि पूरे देश में जो है हमारा देश जाना जाए, पूरी दुनिया में जाना जाए। तो आप यही चाहते हैं, और दो मिनट, मुझे मालूम है कि इकबाल भाई का फ़ोन पूरा दिन बजता रहता है, दो मिनट बंद कर दीजिए, दो सेकंड बंद कर दीजिए, क्योंकि हम ख़त्म ही होने वाले हैं। आप
कोरोना का समय है, पर आपको लगता है ये एक नई शुरुआत है? और मैं गायत्री जी को भी साथ में ला के यही पूछूंगी कि क्या नई शुरुआत हो सकती है? देखिए, नई शुरुआत तो यहाँ के जो है ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर हैं। देखिए, ये जो है यही नहीं, ये जितने भी खड़े हुए हैं, ये आप देख रहे हैं जी, कि मोहल्ला जो है हमारा जो है, हम लोग जहाँ भी रहते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से है। यहाँ कोई विवाद किसी का नहीं है। पूछ लीजिए जितने भी खड़े हुए हैं जी, ये अभी अच्छाई बुराई सब बताएंगे। आप लोगों से पूछते हैं यहाँ पर आते हुए, ये बताइए कि आप यहाँ देख रहे हैं गायत्री जी भी हैं, इकबाल भाई भी हैं। इकबाल भाई इधर आ जाइए, आप क्या दोनों को ही जानते हैं? इनके हस्बैंड थे कार सेवक, उनकी डेथ हो गई। ये हैं इकबाल भाई, ये कोर्ट में थे। इकबाल भाई दो मिनट इधर आ जाइए। आपको लगता है कि आज अयोध्या में इन दोनों को जोड़ के एक नई शुरुआत हो? नहीं, बिल्कुल ये आश्चर्यजनक शुरुआत है और ये माहौल बनने की उम्मीद नहीं थी जिसमें हिंदू मुस्लिम बिल्कुल एक स्वर से एक हो जाएं, ऐसा संभव नहीं था जल्दी। ये आज बहुत अच्छी चीज हुई मोदी के प्रयास से। और ये मंदिर क्या मायने रखता है आपके लिए जी? ये मंदिर क्या मायने रखता है आपके लिए? मंदिर बहुत बड़ा मायने रखता है हम लोगों के लिए भाई। हम लोग तो जिसको ईश्वर मानते, साक्षात ईश्वर, उसका विवाद चल रहा था। ये मंदिर का केवल मंदिर नहीं है, वो आस्था का एक स्थान है जिसको हम परम ब्रह्म मानते हैं जी। सो आई विल लीव यू विद दीज इमेजेस। यहाँ पे हैं हमारे साथ इकबाल अंसारी, वहाँ पर हैं गायत्री देवी जिनके हस्बैंड थे कार सेवक, और यहाँ पे है अयोध्या की आम जनता जो इन दोनों को ही इकट्ठे देखकर कह रही है कि भले ही एक ज़माना हो कि कोर्ट में ये एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन आज अयोध्या के लोग, इकबाल भाई इधर आ जाइए, एक साथ हैं। अयोध्या के लोग, हाँ एक साथ हैं, अयोध्या के लोग एक साथ हैं। ये है कहानी अयोध्या, इकबाल भाई, गायत्री देवी और अयोध्या के लोगों की।